सरकारी प्लाटों पर कब्जे और एलडीए अफसरान पर हमले का मुकदमा। आईटीसी अदालत में मंशा बम के दो बेटों की बुरी जमानत पर समाप्त। आमिर मंशा और तारिक मंशा हाजिरी के लिए अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुजरिमान की बुरी जमानत में 29 अप्रैल तक तौसी कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सरकारी प्लाटों पर कब्जे और एलडीए के अफसरान पर हमले का ये मुकदमा है और एटीसी अदालत में मंशा बम के दो बेटों की बुरी जमानत पर समाप्त हुई है। इसी पर बात करेंगे नुमान नूर से। जी नुमान जी, इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में सरकारी प्लाटों पर कब्जा और एलडीए अफसरान पर हमला करने के मुकदमे पर समाप्त हुई, जबकि अदालत ने मंशा बम के दो बेटों की अबूरी जमानत में 29 अप्रैल तक तौसी का हुक्म जारी कर दिया, जबकि अमर मंशा और तारिक मंशा अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत में पेश हुए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने जमानतों पर समाप्त की, जबकि सरकारी वकील ने मौका अपनाया कि तफ्तीशी अफसर जो है वो तब्दील हो चुका है, जबकि तफ्तीश अब दूसरे थाने मुंतकिल हो चुकी है, जबकि अदालत तफ्तीश मुकम्मल करने की मोहलत दे, जिस पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल करके पेश करने का हुक्म दे दिया, जबकि मजीद समाअत जो है वो 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नमान।